शुभकामना नवरात्र चल रहे हैं अपने, और हमारे जो प्रोड्यूसर योगिता राठौड़ जी हैं और हमारे डायरेक्टर साहब यामिन खान हैं, उन्होंने हमें मौका दिया है। इस फिल्म में दो लैंग्वेज में बन रही है, जिसके हिंदी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोंटी शर्मा जी और गुजराती के हम लोग हैं राजसेन मारू ब्रदर्स, इसमें ब्रदर हम चार जन हैं। और बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया गुजरात को नज़र रखते हुए, और मतलब जो वहाँ का ट्रेडिशनल और वहाँ का जो माहौल आजकल सब जो चल रहा है, तो हमने कोशिश की कुछ नया करने की और वहाँ की ऑडियंस के लिए उनके लिए बहुत मन पसंदा गाना बनाया, फिल्मी मेलोडियन और बहुत सुरीला गाना बनाया। और वहाँ हम कोशिश करते हैं माता रानी से कृपा प्रार्थना करते हैं कि उनको गाना बहुत बहुत पसंद आए। मारू ब्रदर के बारे में कुछ आप बताइए। मारू ब्रदर्स मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम लोग साथ में बड़े हैं, और मैं सोचा कि आजकल सब बैंड के सिस्टम चल रहा है, शंकर एहसान लोय विशाल शेखर, तो हमेशा टीम चलती है, तो मैंने भी सोचा कि इन चारों के साथ हम लोग टीम बना के चलेंगे तो हमारा हिंदुस्तान में नाम भी होगा, हमारा और वर्ल्ड में भी नाम होगा। तो हम ये भाई मेरे जो नरेश भाई हैं वो कीबोर्डिस्ट हैं, और मेरे जो महेश भाई हैं वो सिंगर है, और जो मेरा उमेश है वो ड्रामर है एंड इंजीनियर साउंड रिकॉर्डिस्ट। सर आप लोग खुद गाने के बताएं अपने बारे में कि किस तरह से आज गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है और आपने क्या किया है, इसके अंदर क्या खूबी दिखाई है। एक्चुअली गाना जो है वो हिंदी में ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग उसका गुजराती वर्जन कर रहे हैं एंड दीपा जी और उदित नारायण जी गा रहे हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने निभाया है गाना, और हम चाहते हैं जल्दी इसका शूट हो और ये फिल्म जल्द से जल्द बाहर आवे। थैंक यू। सर आप बताइए अपना नाम पहले। सर मैं महेश मारू, मतलब मारू ब्रदर्स से हूँ, और ये हमारे राज भाई है जो हम साथ में काफ़ी साल से अभी कर रहे हैं, और ये जो हम लोग ने जो काम लिया है उसमें जो उदित नारायण जी का जो सॉन्ग हम लोग अभी करने जा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है, जो काफ़ी नयापन मिलेगा उदित नारायण जी को, तो हम चाहते हैं कि उनको भी पसंद आए। दीपा जी ने भी बहुत अच्छा गाया है, हम लोगों ने अभी आउटपुट देख लिया, अभी चाहते कि मतलब ये चीज़ जो बाहर निकले तो लोग काफ़ी पसंद करें उन्हें। सर एक टीम के साथ काम करते हैं आप, एक ब्रदर टीम है आपकी। हाँ जी। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं कि एक टीम के साथ काम करते हैं, तो आपका क्या आपस में एक कॉम्बिनेशन है जो आप लेके चलते हैं साथ में? सर कॉम्बिनेशन तो ये है कि सर मैं सिंगर हूँ, ये म्यूजिशियन है, और ये रिदमिस्ट बैठे हैं जो साउंड रिकॉर्डिस्ट भी है, मेरे छोटे भाई है, और ये जो है जो इनका काफ़ी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमको राज सेन जी का, तो ये एक टीम वर्क ही है जो हम लोग आगे तक जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। अभी हमने गाना सुना रूबरू। Yes. गुजराती सॉन्ग इतना खूबसूरत आपने बनाया है, तो अगर आप दो बोल जैसे कि भी चल रहा था सुना दें तो। तुम्हारी जिंदगी खुदा ने बंदगी दिल में इच्छाए जिछे तुम्हारी दीवानगी। क्या बात। तो ये जो जो बोल है वो गुजराती में हम लोग ने वर्जन दिया हुआ है, और इसमें जो अभी दीपा जी ने जो गाया है वो इतना बेहतरीन गाया है कि उदित नारायण जी के वॉइस आने के बाद ये कुछ चार चांद भी लग जाएगी। क्या सर आप अपने बारे में? हाय मैं उमेश मारू ब्रदर्स से, एंड मैं साउंड इंजीनियर हूँ एंड रिदमिस्ट भी हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिले। किस तरह का प्रोडक्ट आपने मार्केट में लाने की कोशिश कर? हर तरह का, मतलब लाइक गुजरात से लेके आप ऑल ओवर इंडिया में आप जितनी भी लैंग्वेज है, हम कोशिश करें कि हम म्यूजिकल कुछ दे नयापन। म्यूजिक बनाना बहुत मुश्किल काम है, आप कैसे कर लेते हैं? देखिए वो तो ऊपर वाले की देन है, हम कोशिश करते हैं और आप लोग जैसे हमें सराहते वैसे हम काम करते जाते हैं। आने वाले और इसके अलावा प्रोजेक्ट आपके? हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में गुजराती भी प्रोडक्ट है एंड मराठी भी है, हिंदी भी है, हिंदी तीन प्रोजेक्ट है, और हम कोशिश कर रहे और भी अच्छा करें। तो सर एक चारों मिल के अगर कुछ एक गुनगुना दें आपस में। रूबरू बोल बहुत अच्छा था। चलिए सर। रूबरू 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 थैंक यू ब्रदर्स से, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस सबको ये कहते हैं कि हमको बहुत बहुत प्यार दो
और हमको आशीर्वाद दो और हमको लाइक करो, हमारा गाना बहुत पसंद करो और इसे को हिट करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता दी। अमन खान फिल्म का नाम क्या है? खल्लास। और खल्लास जी, खल्लास प्रोडक्शन का नाम क्या है? जीवीजी। मैं हूं उदित नारायण, आज मारू ब्रदर्स के स्टूडियो में हमारे मारू ब्रदर्स जी खुद कंपोजिशन के इस गाने को गुजराती फिल्म खल्लास का आज रिकॉर्डिंग है। जो निर्मात्री हैं हमारे योगिता राठौर जी हैं और डायरेक्टर हैं हमारे अमन खान जी। वोंटी शर्मा जी भी हैं इस फिल्म में, उन्होंने भी म्यूज़िक दिया है। और राज सिंह जी ने म्यूज़िक दिया है और अभी मारू ब्रदर्स जी दे रहे हैं। और मारू ब्रदर्स जी ने मुझे बुलाया है कि भाई हम लोगों के संगीत में आप भी गाना गाओ। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैं बैनर का नाम क्या है? जी वी जी बैनर जी वी जी फिल्म के पूरे यूनिट को, पूरे टीम को मैं बधाइयां देता हूं कि गुजराती फिल्म खल्लास म्यूजिकल सुपर डुपर हिट हो और सबको खलास कर दे। थैंक यू। इसका मजा रहने तो कहाँ है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। आई फील वेरी लक्की एंड वेरी ब्लेस्ड। मैं अपने आप को बहुत ही लक्की और खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस जगह पर उनके साथ काम कर रही हूँ। प्रोड्यूसर मैम है योगिता राठौड़ एंड हमारे डायरेक्टर साहब हैं अमन खान एंड सिकंदर कुरैशी हमारे साथ कोर एक्टर कर रहे हैं। And I'm playing one of the leads in this film. And it's a very unique, very different, and it's a mind-blowing concept. And the film's name is Khalas. It's a murder mystery, suspense, thriller, and thoda sa romance, love story. Aapko sare different angles bhi dikhai dekhi is movie mein. And main bas yehi kehna chahti ki hamari puri team ek family ke jaisi hai. And hum puri koshish karenge ki audience ko bahut hi grip karke rakhe. And we'll definitely try our best to give out the best. And the audience will love us, and we love the audience. So all I want to say is then, love you all, and please, 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 khalas aake dekhiye. And first we shoot, first we shoot then that after that. Yeah, after then you watch that movie. Definitely. So. म्यूजिक जो मोंटी शर्मा ने दिया है इसका, म्यूजिक डायरेक्टर मोंटी शर्मा इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी फेमस, यू नो दैट। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, थ्रिलर कॉन्सेप्ट है और इसमें काफ़ी अच्छा जो हम लोगों का एक वन बाय मिस्ट्री चलेगी इसमें, शूट का जो मर्डर होंगे इसमें। मैं भी एक रोल प्ले कर रहा हूँ, ऐसे यू कैन से लीड रोल, टू शेड्स है मेरे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों शेड्स प्ले कर रहा हूँ। और यह है कि एक कोशिश ये रही कि अच्छी से अच्छी मूवी बना के आप लोगों को दिखाई जाए, एक अच्छा मैसेज दिया। खल्लास फिल्म जो आ रही है ना, खल्लास इज द अल्टीमेट गुड सब्जेक्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं। अमन जी ने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया है इस फिल्म के लिए और काफ़ी अच्छी तैयारी इनकी हो रही है फिल्म को लेकर,
एंड डेफिनेटली कुछ नया करेंगे फिल्म को, फिल्म के कोरियोग्राफी के लिए. डांस में सालसा जैसे हिप हॉप होगा, सालसा होगा, कंटेम्प्रेरी होगा, मोर इनटू इंटीमेट सीन्स जो आजकल चल रहे फिल्मों के लिए, तो ज्यादा बेटर होगा. इंटीमेट सीन्स को लेके फिल्में बनती और हिट होती है. एंगल्स जो जितना सेंसर अलाउड करे, दैट इज मोर बेटर. नहीं 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 लीक करा तो खलास, हम लोग खलास हो जाएंगे अभी से. तो खलास इज अल्टीमेटली अ गुड फिल्म विच विल बी डूइंग एंड इट्स गोइंग टू बी डब्ड इन गुजराती ऑल्सो. तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि गुजराती भी आजकल अच्छी जा रही है फिल्में, तो वी कैन डू समथिंग. एंड अमन जी इज डूइंग वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट इन दिस. एंड योगिता जी अगेन द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, शी इज गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस गुड ब्रेक. तो काफ़ी मैंने ऐसे गाने किए हैं, बहुत सारे फिल्में, बहुत सारे गाने, भोजपुरी, ऑल लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, गुजराती. तो दिस विल बी अल्टीमेट फिल्म विच आई विल बी डूइंग फर्स्ट टाइम, यू नो, विथ मोंटी शर्मा सॉन्ग. सो लेट्स सी. एंड यू कैन टॉक टू वन ऑफ द हीरोज ऑफ दिस फिल्म, सो यू कैन ऑल्सो से समथिंग. सो यू ऑलरेडी आई यू वांट टू स्टे हियर? ओके, से व्हाट यू वांट टू आस्क. थैंक यू. हाय, मैं रवि अजवाल. खलास इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट. अमन सर एंड योगिता मैम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन मूवी है. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बनने के बाद ये सबको बहुत प्यारी लगे. नहीं, अभी कुछ खास प्रिपरेशन तो नहीं किए, बट वर्कशॉप होगी. सॉरी.